हेलो बेटा जी, आई होप यू गाइस आर डूइंग ग्रेट। सो दिस वीडियो इज स्पेसिफिकली फॉर सीएस प्रोफेशनल किड्स फॉर द सब्जेक्ट ऑफ फंडिंग एंड लिस्टिंग। तो बेटा जी, इस बार वापस थोड़ा सा मजाक हो गया है। आप बच्चों ने सप्लीमेंट देखा होगा जो ICSEI की वेबसाइट पे है, तो सप्लीमेंट के अंदर उन्होंने दिया है बेटा जी, आपके सप्लीमेंट के फर्स्ट पेज पे अगर आप देखोगे तो ऐसा बताया गया है कि चैप्टर नंबर 5, 6 और 11, ये तीन ऐसे चैप्टर्स थे जिसको लेके कन्फ्यूजन था। नए रेगुलेशंस आ चुके हैं बट वो जून के एग्जामिनेशन में एप्लीकेबल होंगे या नहीं होंगे इसको लेके कन्फ्यूजन था, बिल्कुल ठीक है। तो ICSEI ने अपने जून 2023 के सप्लीमेंट के फर्स्ट पेज पे ऐसा दिया है दैट ये ओल्ड रेगुलेशंस हैं, ये रिपील हो चुकी हैं और ये न्यू रेगुलेशंस हैं, ये आ चुकी हैं, थम्स अप। लेकिन अगर सप्लीमेंट को पढ़ते हैं तो उसमें स्पेसिफिकली ILDS रेगुलेशन और जो इशू एंड लिस्टिंग ऑफ नॉन कन्वर्टेबल रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स, इनको रिपील कर आई है सभी इशू एंड लिस्टिंग ऑफ नॉन कन्वर्टेबल सिक्योरिटीज रेगुलेशन 2021। सो इशू एंड लिस्टिंग ऑफ नॉन कन्वर्टेबल सिक्योरिटीज रेगुलेशन 2021, इसके बारे में डिटेल कंटेंट अभी भी नहीं दिया है। सो चैप्टर नंबर 5 को लेकर फिर भी क्लैरिटी है, चैप्टर नंबर 6 और 11 को लेकर अभी भी क्लैरिटी नहीं है, बिकॉज सप्लीमेंट के अंदर उन्होंने जो दे रखा है वो उसमें भी डिटेल्ड कंटेंट नहीं है इस न्यू रेगुलेशन के बारे में, दैट इज इशू एंड लिस्टिंग ऑफ नॉन कन्वर्टेबल सिक्योरिटीज रेगुलेशन 2021। ठीक है, तो सबसे पहला मेरा क्या सुझाव है, एकदम अच्छे समझना, 5, 6 और 11 इन तीनों को छोड़ दें तो बाकी तो वैसे भी सिलेबस एकदम सुपर सॉलिड है, बहुत प्यारा सा रिवीजन, सब चीजें चल रही है। अब इन तीनों की बात करूं तो इसमें सबसे पहले 5 को भी खत्म कर देते हैं। 5 को लेके इस बार के सप्लीमेंट में उन्होंने कुछ कंटेंट दिया है बट दिस इज द सेम कंटेंट दैट दे हैड गिवन इन द लास्ट ईयर का सप्लीमेंट। मॉड्यूल अभी तक अपडेट नहीं हुई है, मॉड्यूल जो वेबसाइट पे है उसके अंदर 2002 और 2014 की रेगुलेशन दे रखे हैं जो अब हट चुके हैं और अब नया आ चुका है सेबी शेयर बेस्ड एम्प्लॉय बेनिफिट एंड स्वेट इक्विटी रेगुलेशन 2021, और उसको आए भी बहुत समय हो चुका है। ठीक है, उसको लेके वीडियो ऑलरेडी यूट्यूब पे है, मस्ती से सॉर्टेड है। तो चैप्टर 5 को लेके यू डू नॉट हैव टू वरी, चैप्टर 5 सॉर्टेड है, उसको लेकर अगर आप यूट्यूब पे सर्च भी करेंगे शेयर बेस्ड एम्प्लॉय बेनिफिट रेगुलेशन, शेयर बेस्ड एम्प्लॉय बेनिफिट एंड स्वेट इक्विटी रेगुलेशन बाय शुभम शुक्लेचा, तो आपको मिल जाएगा। तो हर सीएस प्रोफेशनल का बच्चा जो जून 2022 दे रहा है वो चैप्टर 5 के लिए वीडियो देख ले, योर सुपर सॉर्ट हो गया सब कुछ खत्म। अब आते हैं चैप्टर नंबर 6 और 11, इसको लेके बेटा जी आप मस्ती से बैठो, वेट एंड वॉच, मजे में रहो। आपको मेरा सजेशन ये है कि पूरा सिलेबस कंप्लीट कर दो और फोकस करो अपने सिलेबस पे, जो बाकी का पूरा कंटेंट है दो चैप्टर छोड़ के पूरे सिलेबस में कंटेंट ना उसको कंठस्थ कर लो, ये दो चैप्टर्स आप मुझ पे छोड़ो। जब अभी मैं 10th अप्रैल टू 16th अप्रैल के सेशंस देने वाला हूँ फंडिंग के लिए, उसमें मैं इन रेगुलेशंस के लिए जो भी है वो कोशिश करूंगा आपको पढ़ा दूंगा। आपका पूरा सप्लीमेंट जो आया है, आई थिंक कुछ 78 पेजेस का सप्लीमेंट आया है, ठीक है, ये जो भी सप्लीमेंट है, दे कीप ऑन चेंजिंग द सप्लीमेंट ऑल्सो। पहले एक सप्लीमेंट आया था फॉर जून 2023 ऑफ लेसर नंबर ऑफ पेजेस, अब ये और ऐड होकर आए हैं। आपको क्या करना है, आपको मजे में रहना है, आप चैप्टर नंबर 6 और 11 को कंप्लीटली छोड़ दो और बाकी पूरे सिलेबस को रिवाइज करके कंठस्थ करके रख लो। 6 और 11 में क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, ये मैं आपको बता दूंगा बिटवीन आर सेशंस ड्यूरिंग 10th to 16th of April, बिल्कुल ठीक है। चैप्टर 5 के लिए क्या करना है मैंने बता दिया और 6 और 11 को भी बिल्कुल ड्यू रख के बाकी पूरे सिलेबस पे फोकस करो, ओके डोकी, और मजे में रहो। ये जो छोटी मोटी परेशानी है इसको लेके चिंतित नहीं होना है, बिकॉज ये क्या है, ये एग्जामिनेशन के अंदर हार्डली 5% आने वाली चीज़ है और इन 5% के लिए क्या करना है ये मैं बता दूंगा आपको। आप सिर्फ अभी जो आपका 90-95% का कंटेंट आपका सेट है उसको रिविजन पे ध्यान दीजिए, उसको तूफान तरीके से कर लो, ओके। सो आई होप ऑल द सीएस प्रोफेशनल किड्स आउट देयर यू आर स्टडीइंग रियली नाइसली और इसी तरह से प्रिपरेशन कंटिन्यू रखो। ऑल द बेस्ट।